हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपको लेके। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी काफ़ी अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी आपको। ओके, अगर आप कोई वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हो या फिर स्पिरिचुअली कुछ चीज़ें सीखना चाहते हो, आप टैरो सीखना चाहते हो या फिर और भी कोई वर्कशॉप अगर आप करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल मेरे इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन करिए। वहाँ पर मैं बीच बीच में अपडेट करती रहती हूँ। जब भी मैं कोई नया वर्कशॉप लॉन्च करती हूँ तो आप वहाँ से बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हो, उनका नाम मनी मन 3 बार कह सकते हो, नॉट करंट थॉट्स, सॉरी, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेके। भगवान जी प्लीज बताइए। टेम्पलेंस, दी हायरोफेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कॉइन्स, फोर ऑफ कॉइन्स, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कॉइन्स। एनर्जी जो है यूजुअली जो रोज की रीडिंग में आती है ना, उससे चलती, मतलब उसके लगभग वैसे ही एनर्जी आज भी दिख रही है। देख लेते हैं लेकिन, और सॉरी फॉर द एक्सटर्नल नॉइस। जजमेंट, द डेविल, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, भी जो कार्ड आना था आ गया है। देखिए, आपके पर्सन के आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ना डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। ईश्वर आपके साथ हमेशा है, कोई हाईएस्ट फोर्सेस आपके साथ हमेशा है। उन्हें पता है, मे बी यू आर द चूजन वन, उन्हें पता है कि आप कहीं ना कहीं कॉस्मिक फोर्सेस या कॉस्मिक पावर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। मुझे लगता है ये जो आपके पर्सन है ना, वो दिन रात प्रे कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, भगवान से एक और मौका मांग रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। उन्हें ये कनेक्शन हर हाल में चाहिए। उन्होंने कुछ मिस्टेक करी है और मुझे लगता है कुछ केसेस में बड़ी मिस्टेक करी है, विच इज़ एक्चुअली, क्या कहूँ, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड एट ऑल। ठीक है, भगवान से प्रे कर रहे हैं, आपके लिए प्रे कर रहे हैं, फॉरगिवनेस प्रेयर कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि वो भगवान से एक और मौका चाहते हैं इस कनेक्शन में आपके साथ चीज़ें ठीक करने के लिए। देखिए, अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ। 50% केसेस में ये बिल्कुल हो सकता है कि आपके पर्सन ने, देखो, किसी हायरोफेंट के साथ कोई साथ में द डेविल का कार्ड है, मतलब फाइव
50% केसेस में ये हो सकता है कि आपके पर्सन ने किसी तरह का वशीकरण या किसी तरह का तंत्र मंत्र आपके ऊपर कराया हो, कि आप उन्हें छोड़ के ना जाओ, आप उनसे दूर ना हो, आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड रहो, आप उनके लिए फीलिंग्स अपने मन में रखो, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड. और शायद आपके पर्सन इसी चीज़ के लिए फॉरगिवनेस मांग रहे हैं. ये 50% केसेस में होगा, सबके केसेस में नहीं होगा, ठीक है? और क्योंकि आपके पर्सन देखिए हर हाल में ना आपसे हर हाल में आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, हर हाल में आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, आपके बगैर वो बहुत अकेले हैं. लेकिन उन्होंने जो भी कुछ किया है, ठीक है, या तो ऐसा है कि आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया था, डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ था, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया था, गैप आया था. तो आपके पर्सन नहीं चाहते आपके साथ कि गैप एक मेंटेन रहे. आपके पर्सन हाईली इगोइस्टिक पर्सन है, मुझे ऐसा लगता है. आपके पर्सन विक्ट्री चाहते हैं, आपके पर्सन बड़ी अजीब सी एनर्जी है. समझ जाइए जो मैं समझाना चाह रही हूँ. गलत किया है उन्होंने जो भी कुछ किया है, बिकॉज ये सारी चीज़ों से अगर प्यार मिलने लगे तो बस हो गया. ठीक. ये सारी चीज़ों से प्यार मिलने लगे तो बस हो गया. प्यार को पाने के लिए सिर्फ प्यार की ही ताकत काफ़ी रहती है. यस. और 50% केसेस में मुझे ऐसा, जो वाई वाई मैंने आपको बता दिया, 50% केसेस में जो मुझे इंट्यूशन आ रही है वो मैं आपको बताती हूँ. देखिए, आप दोनों कुछ इस तरह के पर्सन हो कि जिनसे इस कनेक्शन से शायद लोग जलते हैं. इस कनेक्शन में भी ये हो सकता है शायद किसी ने कुछ किया हो आप दोनों को सेपरेट करने के लिए, आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट लाने के लिए. और शायद आपके पर्सन को उस चीज़ की भनक है. ये 50% केसेस में ऐसा भी हो सकता है. यस. आपके पर्सन के दिमाग में ना बहुत सारी खिचड़ी पक रही है इस समय. आपके पर्सन काफ़ी कंफ्यूजन में है इस समय. आपके पर्सन को नहीं पता कि आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. वो एक क्रॉस रोड पे है. ऑल दो जो भी आपके पर्सन है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बिल्कुल लेना चाहते हैं, लेकिन वो वाई वाई की टू मच टू जगल, बहुत सारा जगल है अभी उनके लाइफ में, बहुत सारे उथल पुथल है, बहुत सारे अप एंड डाउन है. तो आपके पर्सन को ये नहीं पता कि इज दिस द राइट टाइम टू टेक एनी एक्शन और एनी कॉल टूवर्ड्स यू, और योर पर्सन हैज़ टू वेट. ठीक है, इस तरह की एनर्जी आ रही है. एंड मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आप आपके पर्सन की ट्रू विश फुलफिलमेंट हो. आपको वो पाना चाहते हैं, आपका प्यार पाना चाहते हैं, बिल्कुल पाना चाहते हैं. और उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत पैशनेट हो, आप बहुत पैशनेट हो अपने काम के प्रति, जो भी आपका काम होगा. और वो आपको काफ़ी हाई रिगार्ड्स में देखते हैं. आपके जो भी पर्सन, उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने थ्रोन पर बैठे हो और आपको जो करना है आपको कर रहे हो. यस. उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत अबंडेंट हो, बहुत पावरफुल हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, आपके पास आपकी फ्रीडम है, आपके पास आपका घर है. मीन इंसान के पास जो भी चीज़ चाहिए होती है ना, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास वो सारी चीज़ें सफिशेंट है. और कहीं ना कहीं आप यंग भी हो, और आप यंग होने के साथ ना आप थोड़े से कुछ इस तरह के पर्सन हो जो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से ज़्यादा कनेक्टेड रहते होंगे, या फिर जो कहीं ना कहीं जिनके थॉट प्रोसेस ज़्यादा चलते होंगे और वो आप उनको एग्जीक्यूट भी करते होंगे. देखो, ऐसा हो सकता है कि आप कुछ साइंस फील्ड से हो, या साइंस बैकग्राउंड से हो, या फिर आईटी प्रोफेशनल हो, या फिर कुछ भी टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड आपके काम ज़्यादा हो, या फिर स्क्रीन पर ज़्यादा आप काम करते हो, कुछ इस तरह की एनर्जी है. और उन्हें ऐसा लगता है कि आपके जो भी काम है आप बहुत अच्छे से करते हो. देखो, यहाँ पे एक वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आपके जो भी पर्सन है वो आपकी तरफ हाईली, क्या बोलूँ मैं, बहुत हाई लेवल ऑफ ऑब्सेशन है. और आपके पर्सन इस समय थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है. थर्ड पार्टी देखो बिल्कुल क्लियरली दिख रही है, थर्ड पार्टी बिल्कुल क्लियरली दिख रही है. और इस समय आपके पर्सन का काफ़ी दिल टूटा हुआ है. जो भी आप दोनों के बीच में जैसी भी सिचुएशन होगी, मुझे लगता है आपके पर्सन की या तो हेल्थ ख़राब है या फिर उनके फाइनेंसिस ठीक नहीं है. लेकिन काफ़ी पावर्टी जैसी और काफ़ी यू नो फाइनेंशियल लॉसेस जैसी वाइब्रेशंस मुझे मिल रही है कि आपके पर्सन के कहीं तो भी बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं. और उन्हें ऐसा लगता है कि आप तो एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आप तो नाइन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में हो, और आप तो टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो. मतलब कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली उनके कंपेरिजन में बहुत अच्छे हो, ऐसी एनर्जी आ रही है. और मुझे लगता है कि आपके पर्सन शायद छोड़ के भी आपको गए थे, बिकॉज दिस कार्ड इज क्लियरली शोइंग योर पर्सन लेफ्ट यू इन द कोल्ड. अभी भी शायद उनके फाइनेंसिस ठीक नहीं थे, उन्होंने जो प्रैक्टिकल कॉल लेने थे उन्होंने प्रैक्टिकल कॉल लिए, जो उनको प्रैक्टिकल डिसीजन लेने थे उन्होंने प्रैक्टिकल डिसीजन लिए, बिकॉज समहाउ योर पर्सन रियली विश टू सॉर्ट देयर ऑल फाइनेंशियल इशूज़.
बट अभी भी आपके पर्सन के फाइनेंसिस ठीक नहीं हुए हैं। उन्होंने जो भी कॉल लिया, जो भी एक्शन लिया, उन्होंने पहली प्रायोरिटी अपने शायद पैसों को दी होंगे या फिर अपनी फैमिली को दी होंगी, आपको उन्होंने पीछे किया होगा। बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम कर रहे हैं, एंड आपके पर्सन, योर पर्सन इज एक्चुअली, ये नहीं कह सकते कि आपकी तरफ आ रहे हैं, खड़े हैं, मतलब एक एक जगह पे खड़े हैं, आपकी तरफ आना ज़रूर चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वैसी सिचुएशन है। लेकिन मुझे लगता है आपके पर्सन आएंगे ज़रूर आपकी तरफ और कुछ ना कुछ सॉलिड देंगे, बिकॉज आपके पर्सन एक मेच्योर पर्सन है। तभी शायद उन्होंने प्यार को इतनी प्रायोरिटी नहीं दिया, प्यार को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। उन्हें जो डिसीजन लेना था उनके भाग्य के अनुसार उन्होंने वो डिसीजन लिया है, एंड मुझे लगता है कि उन्हें पता है आगे उन्हें क्या करना है और उसके अकॉर्डिंगली वो आपकी तरफ आ रहे हैं। रिकवरी, अगर आपके साथ कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आई हैं या फिर कोई कनेक्शन में इश्यूज हुए हैं, चीज़ें खराब हुई हैं या कुछ अनहील्ड है या फिर आप दोनों के बीच में किसी तरह के क्लैशेस है, तो आपके पर्सन उस चीज़ को रिकवर करना चाहते हैं, उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ जो भी जैसा भी रिलेशनशिप है उसको और इम्प्रूव करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे ना एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी हैं और कहीं ना कहीं एंजल्स भी सपोर्ट कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं आप दोनों को मिलाने में और चीज़ों को रिकवर करने में। चीज़ें पता है आपके हाथ में है, भगवान ने पूरी ब्लेसिंग्स भी दी, लेकिन आप इस समय सही डिसीजन और सही कॉल नहीं ले पा रहे हो। आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे इस कनेक्शन को। कभी उनका मन आपकी तरफ ऐसा होता है कि बिल्कुल आप ही उनकी लाइफ में सब कुछ हो, और थोड़ी समय में पूरा फ्लिप मार जाता है कि नहीं, आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया, आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो, आप बुरे हो, आप चीज़ों को समझते नहीं हो, चीज़ों को जानते नहीं हो, तो उन्हें नहीं समझ में आ रहा। एक टाइम उनका मन आपकी तरफ एकदम स्वीटली बहने लगता है, बहुत इमोशंस ओवरफ्लो होते हैं, देन सडनली ऐसा फ्लिप मारता है कि मतलब कुछ हो ही नहीं, आपने जो किया अच्छा नहीं किया। आपके पर्सन फिर भी बैलेंस लाना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है उस समय उनके इमोशंस उथल पुथल है और कुछ केसेस में जैसे नेगेटिविटी की वजह से भी ये सिचुएशंस हो सकती है। ठीक है, एक्चुअल में तो वो बहुत पॉजिटिव फील करते हैं लेकिन जब नेगेटिविटी हिट मारती है तो वो फिर आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। जो भी है, जैसा भी है, आपके साथ बैलेंस लाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को हेल्दी करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि तो आप उनके लाइफ के ट्रू विश फुलफिलमेंट हो। फसाड़, लेकिन आपके पर्सन देखो, उनको पता है उन्होंने एक मुखौटा लगाया हुआ है, उनको पता है उन्होंने आपके साथ अपना ट्रू कलर्स उन्होंने आपको नहीं दिखाया, आप उनको पूरी तरीके से नहीं जानते हो। ठीक है, दिस इज अ कलर ऑफ सोलर प्लेक्सस, आप उनको अच्छे से नहीं जानते हो। कहीं ना कहीं आप दोनों में देखो एज डिफरेंसेस भी हो सकता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, और हालांकि इसमें तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या फिर ऐसा होगा बचपन से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, ये ऐसी वाइब्रेशन भी हो सकती है, और मतलब ऐसा होता नहीं कि किसी से हम बहुत बचपन से कनेक्टेड होते हैं फिर बिछड़ जाते हैं कहीं सालों सालों तक फिर मिलते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन आपके जो भी पर्सन है वो एक मुखौटा लगाए हुए हैं, वो जैसे एक प्याज में लेयर होती है ना, जैसे जैसे लेयर खुलती है वैसे वैसे ट्रू कलर सामने आते हैं, बस वही आपके सिचुएशन का भी मुझे हिसाब लग रहा है। तो आपके पर्सन ने ट्रूली आपको नहीं बताया है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपने भी नहीं बताया है और आपके पर्सन एक मुखौटा तो लगाए हुए हैं। गॉसिप, वाह, या तो वो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि आप बहुत फाइनेंशियली अबंडेंट हो और आपके पास सब कुछ है अपनी लाइफ में जो चाहिए। व्हाई दिस गॉसिप केम, करंट एनर्जी में गॉसिप क्यों आया है? ट्रिकरी, फिर बॉटम ऑफ द डेक अबंडेंस है। आई डोंट नो, आपके पर्सन जो भी है मुझे थोड़े ट्रिकस्टर लग रहे हैं, मुझे लगता है शाम दाम धन भेद से आपको पाना चाहते हैं,
आपको इस कनेक्शन में लाना चाहते हैं, आपको आइसोलेशन के साथ फेथ है। देखो आपको ना आपकी जर्नी पे फेथ रखना होगा। देखो आप जो भी पर्सन हो ना आपके साथ, आप जो भी पर्सन हो ना, देखो बहुत सारी ब्लेसिंग्स है डिवाइन की। मदर अर्थ आपके साथ है, आपके असेंडेड मास्टर आपके साथ होंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ होंगे, एंसेस्टर्स आपके साथ होंगे, आर्कएंजल माइकल आपके साथ होंगे, और भी बहुत सारे एंजल्स आपके साथ होंगे। अगर आपको बहुत सारे एंजेलिक फिगर्स दिख रही है, एंजेलिक नंबर दिख रहे हैं, लाइक 555, 1551, 333, 222, 111, 111, समथिंग लाइक दैट, इट मीन्स यू आर कम्प्लीटली सराउंडेड बाई एंजल्स इन दिस जर्नी। यू आर नॉट अलोन, गॉड एंड ऑल हाइएस्ट फोर्सेज आर विद यू, राइट? समहाउ यू नीड टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड ऑन योर इंट्यूशन। अगर आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग नहीं है तो कृपया करके एमेथिस्ट को अपने पास रखिए। दिस इज एन एमेथिस्ट स्टोन, राइट? आप इसको ब्रेसलेट फॉर्म में पहन सकते हैं, आप इसको टम्बल फॉर्म में अपने पास रख सकते हैं, बिकॉज ये आपकी इंट्यूशन को स्ट्रांग करेंगी। एंड आप जिस भी जर्नी में हो, मुझे बहुत क्लियर वाइब आ रहा है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगा, राइट? लेकिन हम उसको मानते नहीं है बिकॉज हमारे डिवाइन से उतनी कनेक्टिविटी नहीं होती। देन स्टार्ट मेडिटेटिंग। अगर आप मेडिटेट करोगे, बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये जो भी आपके पर्सन है ना, ये शाम दाम दंड भेद से आपको पाना चाहते हैं। इनकी जो भी इंटेंशंस होंगी, हालांकि इंटेंशन, क्योंकि ये देखो आपको क्यों खोएंगे, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आपको कोई भी नहीं खोएगा। आपको ये क्या, आपको बहुत लोग पाना चाहते होंगे। आपको लेकिन फेथ रखना है, डिवाइन आपके साथ है, आपके पर्सन ने कुछ तो भी ऐसा किया है कि अगर आप उनके नहीं तो आप किसी के नहीं, वैसी वाली सिचुएशन है। देखिए मुझे जो आ रहा है, क्योंकि गॉसिप कर रहे हैं, गॉसिप के साथ ट्रिकरी है, कहीं ना कहीं वो गाइडेंस ले रहे हैं इधर उधर से, या फिर आपको आपको ऐसे अटका के रखा हुआ है, कंफ्यूजन में रखा हुआ है कि भाई आप किसी और के पास ना जाओ, उनके पास नहीं आओ तो किसी और के पास ना जाओ। मतलब कि देखो बड़ी अजीब सी वाइब्रेशन है, मैं नहीं बोलूंगी आज की एनर्जी सबसे मैच करेंगी, लेकिन जिनसे करनी होगी उनसे कर जाएंगे। क्योंकि हम बहुत, जब हम प्यार करते हैं तो बिल्कुल आंख नाक कान सब बंद करके प्यार करते हैं, बट वी नीड टू ओपन आर ऑल सेंसेस फॉर लव, ठीक है? सामने वाले पर्सन प्यार करते हैं, लेकिन अगर वो शामदाम दंड भेद अगर यूज कर रहे हैं प्यार करने के लिए, तो उस प्यार का क्या ही मतलब। क्या ही सेंस है? यहाँ से और देखते तो थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएंगे। लेजीनेस, एक्सॉशन, प्लेफुलनेस, द ड्रीम। माइजर, आपके पर्सन हाईली, बहुत ज़्यादा, देखो दिस इज, अगर जहाँ पे मैं लव की बात करूँ तो मैं ऐसा कह सकती हूँ, मुझे लव 40-50% दिख रहा है, लेकिन ऑब्सेशन मुझे 1000% दिख रहा है। माइजर के साथ जो पीछे फोर ऑफ पेंटिकल्स आना, इट्स नॉट छोटी बात, ठीक है? हाईली 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 ऑब्सेस्ड है, हाईली 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 पैशनेट है आपके पर्सन ना, वही पैशनेट वाली एनर्जी, बहुत पैशनेट है। और आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि तो आपके पर्सन शायद आपके बारे में सोच सोच के सोच सोच के सोच सोच के एग्जॉस्ट हो चुके हैं। उन्हें नहीं पता कि उन्हें आपकी तरफ कॉल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। उन्हें लगता है अगर मैंने ले लिया और सब खराब हो गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा, है ना? क्योंकि आप उनमें से नहीं हो जो बार बार एंटरटेन करोगे उनको। कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से जान गए हैं, आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। उन्हें पता है आप उनके बगैर अच्छे और आप उनके बगैर आराम से रह लोगे, ये चीज़ उन्हें फील होती है। कहीं ना कहीं प्लेफुलनेस की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके साथ लाइट हार्टेड रहना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं। विद द ड्रीम, आप उनके ड्रीम में आते हो, आप हैविली उनके ड्रीम में आते हो, हर रोज उनके ड्रीम में आते हो, और इट्स ऑल अबाउट लव, ठीक है? तो यस फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।